अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सोनिया खान। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं काले चने और बहुत चटपटे मसालेदार, बहुत टेस्टी। हम फ्राई करके इसको, इसकी मैं रेसिपी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इनको फ्राई करके और बहुत टेस्टी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। और ये बच्चों को आप बना कर दें, बहुत उनके लिए फ़ायदेमंद है। इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पाव चने लेकर उनको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। उसके बाद मैंने नमक और थोड़ा सा खाने का सोडा डालकर उबाल लिया है और देखें कितने सॉफ्ट गले हुए हैं ये। तो एक पाव हमारे पास चने हैं और इसके लिए हमें चाहिए, यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता ले लिया है, थोड़ा सा जीरा लिया है आधा चम्मच, और 3 हरी मिर्चें काट ली हैं मैंने बारीक बिल्कुल, और प्याज हमने ली है 1 मीडियम साइज़ की, इसको भी हमने बिल्कुल बारीक काटा है। लेमन जूस लिया है 5 चम्मच, आप चाहें तो इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, मैं लेमन से बनाऊंगी आज। तो मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसमें मैं अब कड़ी पत्ता डालूंगी और साथ में जीरा। तो इसको हम थोड़ा सा पका के और इसमें अब हम ये चने ऐड कर देंगे। और अब मैं इसमें लेमन जूस डाल दूंगी और सारे मसाले जो हैं हमारे वो डाल देंगे। लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच मैंने भर के डाला है, नमक 1 चम्मच, और ये है साबुत धनिया क्रश किया हुआ 1 चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें, चाट मसाला 1 चम्मच, और इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसको हम हल्की आंच पर पकाएंगे, इसको थोड़ी सी देर हम पका लेंगे। हरी मिर्चें ही मैंने ऊपर से डाल दी हैं, इसको 5 से 10 मिनट बस हम पका लेंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये पक चुके हैं और मैंने इसमें अब ये प्याज डाल दिए। तो फ्लेम मैंने इसका बंद कर दिया है क्योंकि प्याज पानी छोड़ देती है, तो इसलिए प्याज को नहीं इसमें कुक करना है, तो बस मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। और प्याज मिक्स करके अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त सुपर लग रहे हैं और बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार चटपटे मसाले वाले ये बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय करें, बहुत मज़े के ये बने हैं। और अगर आपको भी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए।